विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम में की गई भारी विसंगति को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। इन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर छात्रों ने कॉमर्स कॉलेज में नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय बार बार परिणाम बदलकर जारी कर रहा है, जिससे कि कई छात्र जो पहले उत्तीर्ण थे वो अब अनुत्तीर्ण हो गए और जो पहले अनुत्तीर्ण थे वो उत्तीर्ण हो गए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कॉपियों को चेक नहीं करके केवल मर्जी से परिणाम बनाकर जारी किया जा रहा है। इस कार्य प्रणाली से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। क्या मिल रही है जिनके विषय में पूर्व में विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज करवाया था, जैसे आपको पता ही है, जिसके उपरांत नवीन परिणाम घोषित किए गए जो भी और भी गलत है, जिससे विद्यार्थी में रोष व्याप्त है और विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता के संदेह में घेरे में आ रही है। मैं वीबीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। हमारा रिजल्ट कल घोषित हुआ है, उसमें कई बच्चों को अनावश्यक रूप से सप्लीमेंट्री दी गई और कई बच्चों को फेल भी किया है। तो आज एबीवीपी ने क्या ज्ञापन दिया है, किस में क्या डिमांड की है और क्या आप लोग करेंगे अगर आपकी डिमांड पूरी हो? सुधार करने की मांग की है हमने, ताकि जो भी बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा रिजल्ट की वजह से वो सुधर सके। अभी कुछ ही दिन पहले बीकॉम का रिजल्ट आया था सेकेंड ईयर का, जिसमें बहुत सारे कम से कम 200 विद्यार्थियों को एक विषय में नंबर नहीं दिए गए थे, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था, बहुत सारे विद्यार्थियों को एटीकेटी आई थी। उसके बाद हमने विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के बाद अभी जो रिजल्ट आया उसमें ये आया है कि जो बच्चे पिछली बार पास थे उन बच्चों को फेल कर दिया और जो फेल थे उनको पास कर दिया। तो मतलब यूनिवर्सिटी किस तरह से कॉपियाँ चेक कर रही है, या तो इन्होंने कॉपियों को ठेके पर दे रखा है किसी को, या यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। जब भी इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे पहले फेल हो गए तो उनको पास कर दिया, जो पास हो गए तो उनको फेल कर दिया। सीधा सीधा ये विद्यार्थी विक्रम यूनिवर्सिटी की गलती है, तो इस गलती को विक्रम यूनिवर्सिटी को सुधारना पड़ेगा। और जो ये रिजल्ट आया जिन बच्चों को पहले पास कर दिया था और अभी फेल करा है, ये रिजल्ट फिर पुनः जांचे और फिर से दूसरा रिजल्ट घोषित करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले में आंदोलन करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।